यदि आप मेरे एक भी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एबल एजुकेशन को और इस बेल आइकन को दबाइए हिंदी और कंप्यूटर संबंधी जानकारी को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो व्यूअर्स, नमस्ते। क्या आप एमएस पेंट में पेंट करके बोर हो गए हैं? तो इंस्टॉल कीजिए पेंट 3D ऐप और क्रिएट कीजिए 2D और 3D पेंटिंग। पेंट 3D एमएस पेंट का अपडेटेड वर्जन है जो बहुत ही अच्छा पेंटिंग ऐप है। आइए अब हम जानें कि पेंट 3D क्या है। हमारी डेली लाइफ में इमेजेस की जरूरत होती है, या तो किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए या तो प्रिंटिंग के लिए। इसी को ध्यान में रखते हुए विंडोज क्रिएटर्स ने एमएस पेंट को अपडेट करके एक नया एप्लीकेशन तैयार किया है जिसका नाम है पेंट 3D, जिसमें हम 2D और 3D इमेजेस अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पेंट 3D माइक्रोसॉफ्ट द्वारा तैयार किया गया एक पेंट एप्लीकेशन है जो पूरी तरह से यूजर फ्रेंडली है, जिसे केवल विंडोज 10 में इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए अब हम यह जान लें कि पेंट 3D को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने के लिए विंडोज 10 के किस वर्जन की जरूरत पड़ती है। पेंट 3D को इंस्टॉल करने के लिए हमें विंडोज 10 के 1703 वर्जन की जरूरत पड़ती है। यदि आपके विंडोज 10 का वर्जन 1703 है तो पेंट 3D बड़ी ही आसानी से आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। यदि 1703 वर्जन नहीं है तो हमें अपने विंडोज 10 को अपडेट करना होगा। अपडेट होने के बाद हमारे विंडोज 10 का वर्जन अपडेट हुआ है या नहीं, इसे चेक करने के लिए हमें अपने कीबोर्ड से विंडोज के साथ R की को प्रेस करना होगा, जिससे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। डायलॉग बॉक्स ओपन होने के बाद हम उसमें विनवर टाइप करेंगे। WINVER टाइप करने के बाद ओके बटन को प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद हमारी स्क्रीन पर एक छोटा सा विंडो ओपन हो जाएगा, जिसमें हमारे विंडोज 10 का वर्जन शो हो जाएगा। यदि आपको अपना विंडोज अपडेट करने में कोई भी समस्या आती है तो आप माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के टोल फ्री नंबर पर कॉल करके मदद ले सकते हैं, जो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जब आपका विंडोज 10 1703 वर्जन से अपडेट हो जाए, तब आप विंडोज स्टोर को ओपन कीजिए, फिर उसके सर्च बॉक्स में पेंट 3D टाइप कीजिए। आपको पेंट 3D का आइकन दिखाई देने लगेगा। उसके गेट ऑप्शन पर क्लिक करने से पेंट 3D डाउनलोड हो जाएगा और फिर उसे इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आपको इंस्टॉलेशन या डाउनलोडिंग में कोई भी समस्या आती है तो आप माइक्रोसॉफ्ट कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को कॉल करके उनकी मदद ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करें और शेयर करना ना भूलें।